नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं वो मुजफ्फरपुर जिला है और NH 77 पर खड़े हैं, और ये हमारे ठीक पीछे जो आप एक धार देख रहे हैं, धार कह लें या विस्तार कह लें, ये बागमती नदी है जो मुजफ्फरपुर में बहती है। हालांकि मुजफ्फरपुर में जितनी तबाही इसने मचाई है इस बार, उससे कहीं अधिक तबाही सीतामढ़ी में मचाई है। और हम जब इस दौरान मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के सर्वे के दौरान भी इधर उधर चल रहे थे, तो हमारे जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि आप औराई नहीं जा सकते, कटरा नहीं जा सकते, क्योंकि ये इलाके खास तौर से बहुत प्रभावित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रईस रहने वाले मुजफ्फरपुर के ही हैं, BHU के साथी हैं, और इन्होंने ही एक बार अचानक से इनका फ़ोन आया कि आप लोग हमारे तरफ आए हुए हैं मगर फिर भी हमारे तरफ नहीं आए हुए हैं, और हमारा इलाका बाढ़ से बहुत तबाह है। हमने कहा आते हैं, हालांकि हम कितना कुछ कर सकते हैं मगर हमारा जो काम है कम से कम वो काम तो हम करते चले। रईस, ये इसके बारे में कुछ बताइए, ये कौन सी जगह है? अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाँ, वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कटौंझा। अच्छा। और ये पंचायत है आप धरहरवा। अच्छा। और जहाँ के हम निवासी है। हाँ। और हम लोग के ठीक पीछे जो नदी बह रही है, हाँ, वो बागमती उसका नाम है। असल में लोग यहाँ कहते हैं, हमारे पूर्वजों से जो बातचीत होती थी, हाँ, तो इसको व्याघ्रमती के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। यानी कि बाघ की मती जिसकी हो। अच्छा। मतलब बिल्कुल शैतानी और बिल्कुल चांडाल वाला जो रूप होता है। अभी आप पीछे देख सकते हैं, जिधर नजर जाएगा उधर पानी ही पानी है। हाँ। ठीक है। तो 2017 में जो यहाँ बाढ़ आई थी, हाँ, तो उससे काफी तबाही हुई थी। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच खड़े हैं और दोनों तरफ जो विस्तार है पानी का, मतलब आप जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक आपको जल ही जल नजर आएगा। हाँ। और बहुत तबाही होती है हर साल। इस बार थोड़ी तबाही कम हुई है, चूंकि इस बार बागमती का तटबंध जो है वो सुरक्षित रह पाया है। हालांकि एक दो दिन और बारिश होती तो फिर तटबंध टूट जाता और सारा इलाका जलमग्न हो जाता। इस बार हम लोग बागमती से ज्यादा परेशान, इसकी एक उपधारा है। अच्छा। जो यहाँ से दो ढाई किलोमीटर आगे है, उसको यहाँ के लोग मनुष्यमारा के नाम से जानते हैं, और नाम जैसा है वैसा काम भी है उसका। मनुष्यमारा? हाँ, मनुष्यमारा। उसका पानी जितने भी क्षेत्र में फैल जाता है वहाँ उस पानी से वहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, और जब फसल ही बर्बाद हो जाएगी तो आसपास की ग्रामीण इलाका है और यहाँ खेतीबाड़ी करने वाले लोग ज्यादातर रहते हैं, तो समझ जाइए कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। और ठीक वही है, इस बार हम लोग मनुष्यमारा से परेशान है। बागमती ने तो कम परेशान किया है, लेकिन मनुष्यमारा ने बहुत ज्यादा ही परेशान किया। अच्छा। हाँ, आपने दर्शकों को ये भी बताना है इस बीच कि मेरा जो गृह जिला है वो इस समय सूखे से परेशान है। कल किसी ने तस्वीर डाली थी कि भाई वहाँ जो धान के बिचड़े हैं वो सूखे से परेशान है, वहाँ के लोग, कहीं के लोग बाढ़ से परेशान हैं। तो बिहार की यही स्थिति, यथा स्थिति है कि बिहार, एक तरफ पूरा बिहार का हिस्सा बाढ़ से परेशान है, दूसरे तरफ सूखे से। सरकार क्या कर रही है हम सभी उस सारी चीज़ों से वाकिफ है। अभी के लिए फिलहाल यही स्टेटस है कि हम मौके पर पहुंच गए हैं और आपको यहां से और अलग अलग रिपोर्ट्स देखने सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।